बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने आज अपनी जो फसल का मायना करना है। और अभी सबसे पहले हमारी जो फसल है, पहली फसल है हमने काश्त की है, वो है नरमान, जिसको हम काटन भी कहा जाता है, कपास भी कहा जाता है। और साथ हमारी जो दूसरी फसल है वो है सौंफ की। तो अभी हमारे ज़रात के ऑफिसर आए हैं और पीछे आप देख सकते हैं, अभी वो मायना कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आपों को। अभी हम उनके साथ बातचीत करवाते हैं और अपनी फसल का मायना करवाते हैं। आप साहब अभी चेक कर रहे हैं, चले मिलवाते हैं आप साहब से। जी आप साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आप साहब, कितनी देर है इसको, कब कटाई होगी इसकी? भैया ना अभी ना कुछ दिन ये फसल लेती है, क्यों देखे ना ये तो इस तरह की ये तैयार है, लेकिन इससे भी अगर कम से कम 4-5 दिन मजीद मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन ये जो है ये देखिए, इसे तैयार करने में अभी 10-12 दिन मजीद लगेंगे, तो इस तरह ये कम से कम 12 दिन बाद आपने इसकी कटाई करनी है। ताकि माशाल्लाह इसने फ्रूटिंग ठीक ली है, फल ठीक है इसका, उस पैदावार अच्छी तवक्को है मजीद, क्योंकि इस साल हमारे इलाके में ये जो दुनियापुर का एरिया है, यूनियन कौंसल नूरगढ़ या कुत्तापुर में, तो पहली मरतबा सौंफ काश्त हुआ है पूरे इलाके में। कुछ लोगों ने लगाया है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे 1 बीघा काश्त किया है, या फिर मियाँपुर में है 2-1 एकड़ काश्त। तो इंशाल्लाह इसकी जो भी पैदावार आएगी वो हम आपसे शेयर करेंगे, और जो इसका रेट होगा वो भी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, और देखेंगे कि इसके क्या अखराजात हैं और प्रॉफिट क्या है इंशाल्लाह फिर वो आपसे। अच्छा, इसकी ना जो कटाई के बाद जो इसकी हफाजती तदबीर क्या है? देखिए ज़्यादा बेहतर अगर इसके, एक तो कटाई करने के बाद ना कोशिश करें कि इसको अगर आप साय में कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा अभी हमने दूसरी जो फसल है हमारा जो नॉर्मल काश किया है, उसको अभी क्या करें? सर उसमें इस वक्त तो आप इसकी छिद्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो छिद्राई में जो आपको मेन चीज़ सामने रखनी है वो है कि इसकी जो वक्फा है ना, हाँ जी, वो कोशिश करें कि 1.5 फुट का होना चाहिए, क्योंकि अगेती काश्त है और वैरायटी भी FH 333 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो फैलाव है वो बन जाता है। साथ में अगर वक्फा कम होगा तो इसका केरा ज़्यादा होगा, तो इस वजह से कोशिश करें कि इसकी छिद्राई जो है ना वो आप 1 से 1.5 फुट लाजमी रखें। जिस तरह के ये आपने काश्त किया है ना, तो इसमें से आपने ये जो चोपा है इसे निकाल देना है मुकम्मल, और इसे भी निकाल देना है, ठीक है? ठीक है, देखें ये वक्फा होना चाहिए। चले ठीक हो गया। बाकी को आपने सिंगल कर देना है, लेकिन इस हिसाब से ये जो वक्फा है ना इसे आपने मेंटेन करना है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इससे आपकी पैदावार जो है बहुत अच्छी आएगी। हाँ जी, मवेशियों के साथ साथ हमने कबूतरों का भी शौक किया हुआ है, साथ मुर्गा है। आरा से आरा नस्ल है। शाम की रूटीन हमारी सारी इधर फार्म में गुजर जाती है। अब फार्म पे भी आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। माशाल्लाह बस इंशाल्लाह कल हम इसको ना सफाई वगैरह करेंगे फार्म के मुकम्मल इस साइड की, और जानवर को हम छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे बिल्कुल।